नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, ऑनलाइन कक्षा लेने के दौरान अभी पिछले दिनों से बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि ऑनलाइन कक्षा में आपत्तिजनक ट्वीट्स आ जा रहे हैं, आपत्तिजनक पोस्ट आ जा रहे हैं, या एक अचानक से शिक्षक वीडियो डालना चाहता है पर उससे पहले ही कुछ अश्लील वीडियो ऑनलाइन क्लास के दौरान चलने लगते हैं। तो इन सारी गतिविधियों को कैसे रोका जाए, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर सिस्को वेबएक्स मीटिंग टाइप करना है और उसे सर्च करना है। सर्च करने के साथ ही आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग स्क्रीन शेयर, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि चूँकि पहले यह सुविधा केवल लैपटॉप और पीसी पर थी, अब यह सुविधा मोबाइल पर भी दी गई है, तो क्यों ना हम अपने मोबाइल को लैपटॉप या पीसी ही क्यों ना बना दें। तो हम देखेंगे कि ऊपर की ओर आपको सबसे राइट साइड में कॉर्नर पर तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा उसी पेज में, और ये जो दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ दिख रहा है, इसे आप इनेबल कर दें। जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपका मोबाइल डेस्कटॉप की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब आपको यहाँ देखिए, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, मीट लेस कनेक्ट मोर गेट स्टफ डन करके एक लिखा हुआ है, उसमें आप राइट साइड में ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है, आपको इन दोनों लाइनों को क्लिक करना है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको साइनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप साइनिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही साइनिंग के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, नीचे की ओर आप देखेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आप बढ़ाइएगा तो देखेंगे कि यहाँ वेबएक्स मीटिंग्स और वेबएक्स टीम दो तरह के आपको मोनो दिखाई दे रहे हैं, ऐप दिखाई दे रहे हैं। आपको वेबएक्स मीटिंग को क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबएक्स मीटिंग को क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको साइनिंग करने के लिए कहा जाएगा। साइनिंग करते समय, जो वेबएक्स का ऐप डाउनलोड करते समय जो आपने ईमेल डाला होगा या जो पासवर्ड डाला होगा उसी को डाल करके आपको साइनिंग करना है। आपको पासवर्ड डालने के साथ ही जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें गौरी शंकर पांडे पर्सनल रूम लिखा हुआ है। चूंकि मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया है इसलिए वहाँ शॉर्टकट में जीपी लिखा हुआ है, और आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा और इसमें देखिए स्टार्ट अ मीटिंग लिखा है और बगल में शेड्यूल लिखा है, हमें शेड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम शेड्यूल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि इस पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये आपको शेड्यूल मीटिंग दिखाई दे रहा है, मीटिंग टाइप दिखाई दे रहा है, मीटिंग पासवर्ड, डेट एंड टाइम, अटेंडेंस, और किसी किसी के मोबाइल में यही लिख देता है और किसी किसी के मोबाइल में आपको जो शो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है इससे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे की ओर कुछ और भी आपको ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ऑडियो कनेक्शन, एजेंडा, शेड्यूल ऑप्शन, शेड्यूलिंग ऑप्शन। शेड्यूलिंग ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि सबसे नीचे जो है अटेंडी प्रिविलेजेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अटेंडी प्रिविलेजेस को आपको जो उसके बगल में एडिट अटेंडी प्रिविलेजेस दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से कुछ आ जाएगा जिसमें कि शेयर पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रिविलेजेस दैट यू वांट टू अटेंडी टू हैव व्हेन मीटिंग बिगिन, शेयर कंटेंट है, व्यू पार्टिसिपेंट लिस्ट है, और कंट्रोल डेस्कटॉप रिमोटली है,
मतलब ये सारा जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें टिक लगा हुआ है, मतलब आपने ये सुविधा सबको दे रखी है, इसे आपको तो डिसेबल कर देना है। इसको डिसेबल कैसे करना है, जैसे ही आप उस बॉक्स को टच करेंगे तो देखिए यहाँ से राइट का निशान गायब हो गया, यहाँ से भी कर दीजिए गायब, यहाँ से भी कर दीजिए गायब। नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट इन प्राइवेट चैट विद अस, मतलब मीटिंग के दौरान कोई अगर आपसे पर्सनल में कुछ कहना चाहता है तो उसके लिए इसमें टिक लगा हुआ है, लेकिन कोई भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो भी होस्ट ऑप्शन में जो टिक लगा है उसको छोड़कर प्रेजेंटर और अदर पार्टिसिपेंट का जो ऑप्शन है उसको भी आप डिसेबल कर दीजिए। इसको टिक करके डिसेबल कर दीजिए, ये देखिए यहाँ ये भी डिसेबल हो गया, और इसे आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप अब अपने मीटिंग में जितने भी बाहरी शरारती तत्वों के द्वारा जो भी कुछ गलत एक्शन लिया जा सकता था या गलत कार्य किया जा सकता था उस पर आप पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम इन गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक आग्रह है आप सभी से कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है GS Tips, उसको आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमेशा मिलता रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।